रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं हूँ मिसेस शाज़ेब और आप देख रहे हैं माय कराची ब्लॉग चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, सेम की फलियाँ और आलू की रेसिपी लाई हूँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिले। और मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ सेम की फली। तो मैंने हाफ़ केजी सेम की फलियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हाफ़ केजी ही मैंने आलू लिए, इन्हें भी मैंने क्यूब में काट लिया है, क्योंकि आलू बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं और हमारे बड़े भी शौक़ से खाते हैं, तो मैं इसलिए आलू थोड़े ज़्यादा लेती हूँ। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर दो मीडियम साइज़ के लिए हैं मैंने, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ड्राई मसालों में यहाँ पे जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 2½ टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, इसकी जगह आप कुटी हुई मिर्चें डालें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून पिसा गर्म मसाला, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और चले हम पढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 सर्विंग स्पून जो है ऑयल लिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ सबसे पहले जाएगा ज़ीरा, तो इसलिए मैं तेज़ गरम है ऑयल, तो मैं जल्दी से इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ऑयल देख सकते हैं आप ज़्यादा तेज़ गरम है। इसे बस हम गोल्डन सा कलर करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। सब्ज़ी में जब भी प्याज डलती है तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करा करें, क्योंकि जो है फिर सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इस सब्ज़ी में आप एक और चीज़ अगर ऐड करें तो वो बहुत मज़े की और लगती है। इसे आप कभी मटर के साथ भी मिक्स करके बनाएं। इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी जो है वो यही होगी, बस इसमें सब्ज़ी एक और बढ़ जाएगी, वो होंगे मटर, लेकिन उससे जो है ना टेस्ट भी बढ़ ही जाएगा, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और इसे बस थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम इतना भूनेंगे कि इसकी लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। क्या करें, अदरक के पेस्ट को भूनते हुए यहाँ मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया है। यहाँ पे अब हम मसाले ऐड करेंगे, अपने ड्राई मसाले, उसे थोड़ा सा हम भूनेंगे। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। इसे 2 मिनट में मसालों के साथ प्याज भूनूँगी। तो हमने डाल दिया है, जिसमें मैंने हल्दी, मिर्चें, नमक ऐड किए हैं अभी सिर्फ। अब यहाँ पे मैं बारीक कटे हुए ये टमाटर ऐड कर दूँगी। इसे हम इसके साथ थोड़ा भून लेंगे, ताकि ये टमाटर अच्छे से जो है वो नरम हो जाए। मैं इसमें मिक्स कर लिया है ये मैंने। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि हमारे टमाटर जो हैं ये थोड़े नरम हो जाएं। और इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। दो मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी ताकि टमाटर नरम हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर देखें अच्छी तरह नरम हो गए हैं। यहाँ इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। इन्हें इस तरह से कर भी लेंगे, थोड़ा सा ये नरम तो हो चुके हैं तो ये मिक्स भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे आलू। आलूओं के साथ थोड़ा सा इन्हें भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं वो आलू में भी आ जाएं। आलूओं के साथ इसे मैंने थोड़ा मसाले को भूना है 2 मिनट, ताकि जो टमाटर भी थोड़े से रह गए हैं वो भी जो है और नरम हो जाए, मसाला जैसे उस आलू के साथ लग जाए अच्छी तरह, इसमें रच बस जाए। अब यहाँ मैं इसमें हम फलियाँ ऐड करेंगे। अच्छा, मटर के साथ भी मैं आपको बता रही थी, तो जब हम मटर के साथ बनाएंगे तो आलू और मटर दोनों एक साथ डाल के भून लीजिएगा और फिर बाद में जो है ये वाली सब्ज़ी जो फलियाँ हैं ये ऐड कीजिएगा। तो इससे भी ताकि ये सब्ज़ी जो है घुटे नहीं, थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहे। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका लग रहा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सब्ज़ी देखें मैंने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर ली है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, आधा गिलास डालूंगी, क्योंकि हमें जो है सब्ज़ी को ज़्यादा घुलाना नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम इसको साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आप पिसा हुआ गरम मसाला, इसकी खुशबू भी अच्छे से आ जाएगी इसमें। फिर हम इसे ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट ही भूनेंगे जब ये आलू और सब्ज़ी गल जाएगी हमारी। तो हमारी सब्ज़ी को रखे हुए लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। धुआं आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा। इसे मैं अब मिक्स करूँगी और लगभग आलू भी देखने में ही लग रहा है कि टोटली गल चुके हैं। थोड़ा सा जो ये पानी है तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। आलू मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से आलू जो है वो गल चुके हैं। इसे हम भून लेंगे अब, ताकि ये जो पानी देखें आधा गिलास ही मैंने पानी डाला था, अभी भी है इसमें पानी। कुछ सब्जियों में ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं। इसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे ताकि ये जो सेम की फली है ये थोड़ी इस तरह सी नज़र आए, घुटे नहीं, थोड़ी ज़्यादा ये मिक्स ना हो, गल ना जाए ज़्यादा। इसी तरह मैं इसको भून लूँगी। पानी देखें ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दूँगी। इसे हम 3 से 4 मिनट जो है वो भूनेंगे। ताकि हरी मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमारी रेडी है बिल्कुल। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ऑयल भी देखें आ चुका है। बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत यमी सी लगती है ये। अच्छा, मुझे पर्सनली ही कुछ लोगों ने जो है वॉइस के इशू का कहा है, मैं बोलती ही स्लो हूँ तो इसलिए थोड़ी सी मेरी वॉइस जो है वो स्लो हो जाती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा लाउड बोलूँ, आप लोगों को वॉइस का कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपनी राय से मुझे आगाह करते रहा करें, अपने फीडबैक मुझे देते रहा करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। हमारी ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी, आप ट्राई कीजिएगा, अपना मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।